में था प्रॉब्लम कि भी ब्लॉकबस्टर रिक्वायर्ड कस्टमर टू ड्राइव टू ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स टू रेंट डीवीडीज। तो नेटफ्लिक्स ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि आपको जो भी कंटेंट देखना है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन खरीदो और आपको उसी के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये नेटफ्लिक्स का अपना एक सोल्यूशन है। तो नेटफ्लिक्स एलिमिनेटेड दैट इनकन्वीनियंस बाय डिलीवरिंग डीवीडीज डायरेक्टली टू कस्टमर्स होम्स विद अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। इट क्रिएटेड एन ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग सर्विस टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व। दिस ऑल्सो इनएडवर्टेंटली एलिमिनेटेड द इनकन्वीनियंस ऑफ हैविंग द वेट ऑफ डीवीडीज। सो लेट्स से कि नेटफ्लिक्स के पास किसी मूवी का राइट है और उसको ये राइट मिला हुआ है कि 3 मंथ्स तक वो थिएटर में रहेगा, देन उसके बाद हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखा सकते हैं। सो वन गो में वो वर्ल्ड वाइड या जो अगर कंट्री स्पेसिफिक है तो कंट्री स्पेसिफिकली बहुत ईजिली दिखा सकता है अपना कॉन्टेंट। ठीक है, जिसको अपना एक बैनर एड रन करना है तो जो भी नेटफ्लिक्स का एग्जिस्टिंग यूज़र होगा उसको टॉप में दिखाई देगा कि भाई कमिंग अपकमिंग मूवीज़ कौन सी उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, जैसे हम लोग अमेजोन प्राइम वगैरह में देखते हैं। तो उसकी हेल्प से क्या हो रहा है, यूज़र को इमीडिएटली पता चल जाता है। तो जैसे कि हमने देखा था ना कि अमेजोन प्राइम के अंदर क्या है कि बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो प्राइम के अंदर भी प्राइम लेवल पर आते हैं कि जिनको आप बाय करते हो प्राइम के अंदर देखने के लिए। सो रिजल्ट क्या मिला इसका नेटफ्लिक्स का, नेटफ्लिक्स हैड 260.28 मिलियन सब्सक्राइबर वर्ल्ड वाइड सिंस क्वार्टर 4 2022। द नंबर ऑफ नेटफ्लिक्स पेइंग मेंबर्स हैज़ ग्रोन बाय 12.8% विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। अभी नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है कि उसको ये पता है जो उसने अभी रिसर्च किया है, क्योंकि सभी मॉडल्स अपने बिजनेस मॉडल के अंदर AI को इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो नेटफ्लिक्स को ये पता है कि उसका जो यूज़र है वो जनरली रात को ना ऐप के ऊपर 4 बजे तक अवेलेबल है, तो वो क्या चाह रहा है कि उसको भी अनकैश करने के लिए वो अपने नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर गेम्स लेके आने वाले हैं। तो बहुत जल्दी आपको 1 से 1.5 साल के अंदर हो सकता है कि उससे पहले भी आपको कुछ बीटा फेज में गेम्स वगैरह देखने के लिए मिल जाए। तो जो उसके सब्सक्राइबर हैं वहाँ पर कुछ प्रीमियम गेम्स होंगे जो आप वहाँ से प्ले कर सकते हो। जैसे जियो है, जियो ने क्या करा कि जैसे हमारा कंप्यूटर जो होता है भाई सबका बजट नहीं होता ना, 2-2.5 लाख रुपये का कंप्यूटर बनाना, किसी का अपना कम का बजट है 50-60 हज़ार का, किसी का बड़ा बजट है। तो 50-60 हज़ार के ऊपर आप बहुत अच्छा गेम तो खेल नहीं सकते हो। तो जियो ने क्या किया, उन्होंने गेमिंग सर्वर बना दिया कि आप अपने कंप्यूटर से उनके सर्वर के ऊपर गेम प्ले कर सकते हो, हैवी से हैवी गेम। ठीक है, बस मेंबरशिप बाय करो और वहाँ जाके गेम एंजॉय करो, आपको इतने लाखों रुपये इन्वेस्ट करने की जरूरत है अपने कंप्यूटर में। क्योंकि कल को कई बार कहते हैं आप बहुत हैवी गेमिंग करते हो, उस चक्कर में कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, है ना, जब नॉन स्टॉप चलेगा तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि गेम में क्या होता है, हैवी ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफिक्स क्या होते हैं, ग्राफिक कार्ड के ऊपर लोड क्रिएट करते हैं जिससे वो बस्ट हो जाते हैं। सो इनका कंसर्न क्या था, टू गेट टॉप इनटू द मूवी मार्केट। प्रॉब्लम को फाइंड किया, उसका सॉल्यूशन निकाला और उसका आउटकम जो मिला है वो 12.8% का ग्रोथ इसने ज्वाइन किया। सो ये एक MRI स्कैन कंपनी है। सो MRI स्कैन रिक्वायर्स अ पर्सन नॉट टू मूव बट लिटिल किड्स क्राई एंड मूव अराउंड। सो इन्होंने क्या सिस्टम किया उसके लिए, एक तरह का केस डिज़ाइन किया जिसमें है बाई इमर्सिंग इन द एक्सपीरियंस ऑफ अ किड दे लर्न दैट फॉर अ किड एंड MRI रूम्स मस्ट बी वेरी स्ट्रेसफुल एंड अ फ्रेटनिंग एक्सपीरियंस। किड फ्रेंडली MRI सिंपल कमांड्स टू गेट द स्कैन डन एक्यूरेटली बिकम पार्ट ऑफ एन एडवेंचर। सो आप यहाँ देखते हो, नॉर्मली जो एक हम जैसे बड़े लोगों के लिए होता है उस वो रूम इस तरह से डिज़ाइन नहीं होता कार्टून जो थीम के ऊपर ना। तो इन्होंने उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के, देखो सीधी सी बात है, जनरली बच्चों के अंदर बहुत रेयर इस तरह की डिजीज़ होती हैं, बट 100 में से आप मान के चलो कि 20 बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है, तो वहाँ पर छोटे बच्चों को जैसे एग्जांपल के तौर पर आज की डेट में घरों में क्या होता है ना, छोटे बच्चा जैसे होता है कि आप चॉकलेट खा रहे हो तो आपने उसको भी खिला दिया, उसको टेस्ट समझ में आ गया, फिर वो जिद करेगा उस चीज़ की। अब चॉकलेट खाएगा तो सीधी सी बात है उसके दांतों में प्रॉब्लम, क्योंकि छोटे बच्चों को हम लोग 2 साल तक ब्रश भी नहीं करा सकते, है ना, क्योंकि उसके जो गम्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो कितना आप केयर करोगे, या आज की डेट में जैसे हम लोग पाउडर फार्मूला जो मिल्क यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, है ना, वो भी बच्चों के लिए एक क्या क्या कहते हैं उसको, उसके जो ग्रोइंग टीथ होते हैं उनमें बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में। तो बेसिकली क्या है कि अब अगर आप बच्चों के लिए एक ऐसा यूज़र फ्रेंडली अगर नहीं बनाओगे, जैसे कि लाल पैथ का अगर आप देखोगे तो लाल पैथ में जनरली क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है, लेकिन बच्चों के लिए लाल पैथ का एक अलग डिवीज़न है कि अगर आपको मान लो जैसे बच्चों का ब्लड सैंपल लेना, तो बच्चे सीधे तो बैठते नहीं है, जैसे मेरे डॉटर के केस में हुआ था तो मुझे पहली बार पता चला कि भाई ऐसा लाल पैथ ने कुछ डिज़ाइन किया हुआ है अपना सिस्टम। तो अगर मान लो कि किसी लोकेलिटी में 10 लाल पैथ है तो उनमें से एक जो होगा वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा, यानी कि वहाँ पर ब्लड सैंपल लेने वाला बच्चा जो बच्चों के ऊपर ही एक्सपीरियंस होगा जिसका वो लेगा, बाकी हर कोई नहीं सैंपल ले सकता बच्चे का, क्योंकि बड़े को तो क्या भाई सीधे बैठ दो हाथ नहीं हिलाना, ले लिया बच्चों कैसे समझाओगे। तो बच्चे को एंटरटेन भी करना है, उससे ब्लड सैंपल भी कलेक्ट करना है, तो वो चैलेंज होता है बहुत बड़ा। तो लाल पैथ के कुछ स्पेशल सेलेक्टेड लोकेशन पर इस तरह के बने हुए हैं। तो ये है एक बेसिकली आपका MRI स्कैन कंपनी का कि उन्होंने प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया इस तरह का एक यूज़र फ्रेंड किड फ्रेंडली है MRI सेंटर बना के। सो यहाँ पर हम लोग फ़ोन के साथ एक कंपैरिजन देखेंगे, जैसे कि ये है आपका ब्लैकबेरी जो कि अपने ज़माने में काफ़ी फेमस रहा है, VR ब्लैकबेरी वॉइस करके उनका एक ऐड भी आता था, 4 से 5 लोगों का एक ऐड होता था, और वहीं पर एक है आपका आईफोन का ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपके मैकेनिकल बटन्स हैं सारे के सारे, यानी कि जिनको आप प्रेस करके क्वार्टरी मोड में बढ़िया से टाइप कर सकते हो। क्वार्टरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि WERTY आपका एक ही फ्लो में लिखा होता है, हमारा जो कीबोर्ड होता है ये भी क्वार्टरी होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टॉप से देखो WERTY आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो पहले के टाइम में जब ये क्वार्टरी कीपैड हम लोग बोलते तो लोगों को समझ नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है, यानी कि जहाँ पर आपका जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है और जो आपका मोबाइल का कीपैड है दोनों सेम हो। तो इसके सेम उसमें अगर आपने देखा होगा तो नोकिया भी लेकर आया था इसी तरह का कीपैड, लेकिन उनमें क्या प्रॉब्लम था कि बटन्स बहुत छोटे थे, तो जब आप टाइप करते थे तो जैसे अगर आपका सही नहीं बैठा तो आपका दूसरा बटन प्रेस हो जाता था, ये इसके साथ एक चैलेंज था, और ये चैलेंज यहाँ भी रहा, ऐसा नहीं कि यहाँ आके सॉल्व हो गया, बट यहाँ पर इनको लाइक करने का रीज़न ये था कि यहाँ पर फिजिकल बटन होने से इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी। बट ग्रेजुअली मार्केट में आईफोन का ट्रेंड बना, इंटरफेस काफ़ी रिफाइन था, ठीक है, फ़ोन में लैग नहीं था, वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इसको धीरे धीरे पसंद किया जाने लगा। ब्लैकबेरी चलाने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न एक ये था कि उस टाइम में ब्लैकबेरी मैसेंजर अगर नेट नहीं भी है तब भी BBM to BBM हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते थे, ये बड़ा एडवांटेज था। ठीक है, बाद में ब्लैकबेरी मैसेंजर एंड्रॉयड के लिए भी निकाल दिया गया था, बहुत ज़बरदस्त। बेनिफिट्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, डिज़ाइन थिंकिंग से हमारा मतलब ये है कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्रिएट बेटर कस्टमर एंड एम्प्लॉय एक्सपीरियंसेस, ठीक है, डीपन एंड वाइडन कस्टमर रिलेशनशिप, इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी। रिटेंशन से हमारा मतलब ये है कि आपका एक पर्सन जैसे एग्जाम्पल के लिए नोकिया खरीदता है, अगर उसकी फैमिली में किसी को लेना है या इन फ्यूचर उसको कभी लेना होता है वो नोकिया ही लेता था, चाहे मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल थे, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ बिल्ड क्वालिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ बैटरी बैकअप, ये इसकी 3 USP थी। रिड्यूस इन एफिशिएंसीज, डिज़ाइन न्यू बिजनेस मॉडल एंड इंक्रीज वैल्यू टू सोसाइटी। तो जैसे नोकिया का क्या था ना कि एक ऑनर का एक इंटरव्यू आया था, तो कहते हैं कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया लेकिन फिर भी हम, मतलब इंटरव्यू देते बंदा लिटरली रोने लग गया था, लेकिन फिर भी हम इंडस्ट्री से आउट हो गए, लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया।
और रिजेक्शन का सारा रीज़न क्या था कि जस्ट उनका ये कि हम अपने ही डिज़ाइन मॉडल में रहेंगे, हम दूसरे मॉडल को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी की वेव में अगर आप ये सोचते हो कि हम इसमें बेस्ट हैं, इस पे ही रहेंगे, तो वो नहीं चलेगा। जहाँ एंड्रॉयड को अडॉप्ट करने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जहाँ यूज़र को ऑप्शंस मिलता है वो उस ऑप्शन को ग्रैब करता है। ठीक है, सेम हुआ टीवी इंडस्ट्री के साथ। आज की डेट में टीवी आउट क्यों हो गया, क्योंकि टीवी के बदले में मिल गया हमें ओटीटी। मुझे क्या देखना है, मेरे पास ऑप्शन है, मेरे को वेब सीरीज देखना है, मेरे को मूवी देखना है, मेरे को सीरियल देखना है, मेरी चॉइस है। टीवी आपको वही घिसा पिटा एक टाइम पर वही कंटेंट दिखा रहा होता है, तो मेरे को उतने टाइम अगर मिल रहा है देखने के लिए, आधा घंटा पौना घंटा, तो मैं अपनी पसंद की चीज़ देखूंगा। इसलिए टीवी का ट्रेंड आउट हुआ। एफएम क्यों आउट हो गया, क्योंकि उसकी जगह पर आपके पॉडकास्ट आ गए। एग्जांपल के लिए जियो सावन, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं, गामा गाना, विंक म्यूजिक, सो मेनी ऐप्स आज की डेट में अवेलेबल है जिस पर आप अपनी पसंद का ट्रैक फटाफट से फाइंड आउट करके सुन पाते हो। एफएम पे क्या होता है, आरजे आपको पका रहा होता है चार फालतू की बातें बता के, फिर उसके बाद में अपनी पसंद का गाना लगा। ठीक है, तुम्हें पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो ये होता है बेसिकली आपका कि नई चीज़ें जब हमें मिलती हैं, जहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, उस चीज़ को अप करोगे। तो आपने टाइम टू टाइम अपने बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जब 2022 के नवंबर दिसंबर में जाके चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, 2022 के एंड में आके चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसके बाद से चैट जीपीटी 2023 के मिड तक इतना बूम पर चला गया था कि मतलब जहां देखो चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। आज चैट जीपीटी के कितने वो देखते हो रील्स, बहुत कम हो गए, क्योंकि आज के डेट में चैट जीपीटी के मॉडल को देख के लोगों ने अपने नए मॉडल बना लिए, बने सब उसी से हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बड़ा इंटेलिजेंट था, वो क्या करता है, वो देखता है जो दुनिया में चीज़ पॉपुलर चल रही है उसको खरीद लो। तो चैट जीपीटी किसके अंडर में आता है, माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में आता है, ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट। ओपन एआई जिन्होंने उसको बिल्ड किया, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको ऑप्ट कर लिया, और इसको ऑप्ट करके क्या करा उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउज़र में, जो उनका ब्राउज़र होता है एज, उसके अंदर चैट जीपीटी 4 इनबिल्ट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। यानी कि अगर आपको चैट जीपीटी 4 फ्री में चलाना है तो आप एज ब्राउज़र में जाके जीपीटी 4 यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जब से माइक्रोसॉफ्ट ने लिया। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का काम ये है कि दुनिया को वो चीज़ फ्री दे दो जिसके लोग पैसे ले रहे हैं। अब गूगल खतरे में आ गया भाई साहब, क्योंकि जीपीटी ने उसकी पूरी दुनिया खिला के रख दी थी। तो गूगल ने बनाया अपना बार्ड, है ना, जो कि उन्होंने पहले यूएस में टेस्ट किया, उसके बाद आज की डेट में गूगल का बार्ड इंडिया में भी अवेलेबल है। तो ये क्या है कि अगर आप समय रहते अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो डेफिनेटली इंडस्ट्री से आप आउट हो जाओगे। तो आपको नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखना है। अब यहाँ पर डिज़ाइन थिंकिंग बेनिफिट्स, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पर, कि क्रिएट बेटर कस्टमर एंड एम्प्लॉय एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मान लो अगर हम लोग एक फिजिकल वर्ल्ड में एक अगर रिमोट की बात कर रहे हैं, तो जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक होंगी उतना बढ़िया होगा। पहले के टाइम में दुनिया जान के इसके अंदर ऑप्शंस होते थे, आज की डेट में ये पुराना 2013 का एक एसी का रिमोट देखो, क्या आज की डेट में एसी के रिमोट में इतने बटन्स होते हैं, नहीं होते ना, इसमें हर चीज़ का एक अलग बटन है। ठीक है, बट मॉडर्न्स में अगर आप देखोगे तो बहुत ही लिमिटेड आपको नंबर ऑफ बटन्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। डीपन एंड वाइडन कस्टमर रिलेशनशिप, तो जब आप एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय एक्सपीरियंसेस बना के दोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, एक रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, आप कस्टमर इम्प्रूव कर पाओगे और कस्टमर को रिटेन कर पाओगे लॉयल्टी प्रोग्राम वगैरह अपने रन करके। तो जैसे देखते हो कि मार्केट के अंदर अगर कोई सामान खरीदने जाता है, ब्रांड बहुत सारे हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि वो पर्टिकुलर ब्रांड उस चीज़ में एक्सपर्टीज रखता है या नहीं रखता है। लेकिन दुकान पे जाकर हम लोग क्या बोलते हैं, भाई हमें LG की TV दे दो या वॉशिंग मशीन दे दो या हमें LG का रेफ्रिजरेटर दे दो, जबकि हमें पता ही नहीं उसका वो एक्सपर्टीज़ है या नहीं है। बट इन्होंने क्या करा, मार्केट में अपना एडवर्टीजमेंट करके लोगों के ब्रेन को इस तरह से सेट कर दिया कि भाई हम ही हैं हर चीज़ के अंदर, बाकी और कोई ब्रांड है नहीं। ठीक है, जबकि कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने अपना को उतना एडवर्टाइज़ नहीं किया, लेकिन हाँ वक्त के साथ अब उन्हें लग रहा है कि भाई एक्सपर्ट होने से कुछ नहीं होता है, जब तक दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं। तो
क्या हुआ, आपको लॉयल्टी प्रोग्राम रन करने पड़ते हैं इस चक्कर में। आजकल में IFV जो है अपने देखते हो वॉशिंग मशीन्स का एड वगैरह रन करता है, ठीक है, या जैसे बॉश IFV से भी ऊपर आता है वो अपनी वॉशिंग मशीन का एड चलाता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्रीमियम चीज़ लेनी तो वही बनाते हैं, ना तो सैमसंग का कोई एक्सपर्टीज़ है ना ही LG का कोई एक्सपर्टीज़ है। ये क्या है, OEM मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या होता है किसी भी कार का अगर कोई पार्ट लेना है तो यूरो मिंडा के पास जाओ सब मिल जाएगा, वो हर चीज़ का पार्ट बना के रखते हैं। जब भी कोई गाड़ी मार्केट में आती है एक गाड़ी खरीदो उसके सारे पार्ट के ऊपर स्टडी कर लो सब बना डालो और उसके OEM मैन्युफैक्चरर बन जाओ कि भाई इस ब्रांड से नहीं मिल रहा तो आप वहाँ से ले लो। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप यूनो मिंडा से एक डिस्क पैड खरीदते हो तो 500 रुपये का आता है, वही डिस्क पैड अगर आप शोरूम से खरीदते हो 1500 रुपये का आता है, इतना डिफरेंस आता है। सोचो 1000 रुपये का कंपनी सिर्फ अपना लोगो लगाने का आपसे बेनिफिट ले लेती है उस केस में। या जैसे आप हीरो का पार्ट अगर लेने जाओगे वही आप यूनो मिंडा से खरीदो सेम चीज़ सब कुछ, बस लोगो का डिफरेंस है और क्वालिटी आपको हीरो से भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि हीरो भी अल्टीमेटली क्या कर रहा है किसी से मैन्युफैक्चर ही तो करा रहा है, उनकी कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है नहीं, उनकी असेंबलिंग यूनिट है ना। हाँ मिंडा सबके लिए बनाता है। इवन आप देखो ना आज की डेट में मॉडल क्या चला है, EV इंट्रोड्यूस हो चुका है ना मार्केट के अंदर, तो उन्होंने EV मोटर्स तक बनाना चालू कर दिया भाई, किसी की मोटर फूकी तो कहाँ जाएगा बंदा दूसरी लेने, उनसे ले ले। ये देखो मार्केट में देख रहे हो थ्री व्हीलर्स खूब घूम रहे हैं आजकल ईवी वाले, क्योंकि सीधी सी बात है गवर्नमेंट ने साफ क्लियर कर दिया 2030 तक अगर आप ट्रांसपोर्टिंग के अंदर हैं, अगर आप गुड्स डिलीवर करते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन, तो इनके पास जो व्हीकल्स अपने वो ईवी होने ज़रूरी हैं, अगर नहीं होंगे तो नहीं चलने दिया जाएगा, सीज कर दिए जाएंगे। तो 2030 तक इनको लास्ट गाइडलाइन मिली कि इन्होंने उससे पहले ही करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, टू व्हीलर ईवी थ्री व्हीलर ईवी, ठीक है। तो जैसा आप ये देख रहे हो ना ऐसे इनकी बाकी की चीज़ें भी आने वाली हैं बहुत जल्दी, फोर व्हीलर की मोटर्स वगैरह सब मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिए, तो जो चाहो वो उनसे आप ले सकते हो। तो जैसे यहाँ पर जाओगे, ठीक है, तो पूरा का पूरा आप देख रहे हो यहाँ पर फोर व्हीलर टू व्हीलर सब कुछ इसमें अवेलेबल, और देखो पूरा का पूरा इन्होंने ऑटो जो है सोलर से मैप कर दिया। अगर मान लो कहीं पर डिलीवरी के लिए आपका गया खड़ा रहा, धूप में चार्ज भी हो रहा है, रेंज भी बढ़ रही है अपने आप, तो ये खुद अपने प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी, और प्लस पार्ट्स तो बना ही रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल में आप देखो कुछ भी आपको सामान चाहिए, ये जैसा कि लिमिटेड है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी चीज़ें बनाते, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, इनका पूरा पोर्टफोलियो है अलग, इनकी वेबसाइट है, अलॉय व्हील सीट्स, यहाँ पर आप देखो स्विचेस टू व्हीलर के, लाइट्स, हेड हीटेड ग्रिप्स। अभी इन्होंने देखो बाइक के लिए क्या बनाना, सर्दी में लोगों को ठंड लगती है ना बाइक चलाते हुए, तो उन्होंने हैंडल बना दी। अब कार के अंदर स्टेयरिंग आ रहे हैं सर्दियों के लिए कि भाई आप कार का स्टेयरिंग पकड़ो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, हीटेड स्टेयरिंग एक फीचर आ रहा है गाड़ियों के अंदर जो अच्छे लेवल पर बढ़िया लेते हो, उन्होंने बाइक के लिए बना दी कि तुम्हें ठंड लगती है बाइक चलाते लो भाई। नहीं इनके पास पूरी R&D टीम अपनी, इन्होंने क्या करा था मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ टाई अप किया हुआ है जिनसे मॉडल बनवाते हैं। जैसे मान लो कि ये एक रिमोट है फॉर एग्जांपल, तो मैकेनिकल इंजीनियर क्या करते हैं इसका पूरे एग्जैक्ट डायग्राम लेके पूरा इसका बिल्कुल डिक्टो सेम साइज में, माइक्रो लेवल पर भी डिफरेंस नहीं होगा, सेम पूरा 3D में बनेगा ऑटोकैड के अंदर, फिर वो ड्राइंग्स इनके पास जाती हैं और इनके पास खुद की अपनी जो है ना CNC मशीन्स हैं जो कटिंग करती हैं ना ब्लॉक्स वगैरह जो बनाती हैं, फिर एक बार डाई बन गई उसके बाद में फिर जितनी मर्जी यूनिट बनाते रहो उसके अंदर। नहीं ये मार्केट में जो होते हैं ना जैसे शॉप्स होते हैं जहाँ से आपको पार्ट्स मिलते हैं ऑटोमोटिव, वहाँ पर इनका बेसिकली डायरेक्ट आप नहीं ले सकते इनसे, ये बल्क में देते हैं। ये हमारी रिले होती है जो बाइक के अंदर लगी होती है, बाइक स्कूटी में सेल्फ जो लगाते हैं ना उससे स्टार्ट हो जाती है, तो सब कुछ बनाते हैं आजकल। इनसे बड़ा OEM मैन्युफैक्चरर इंडिया में नहीं है, सब मिल जाएगा आप देख लो मार्केट में। जब आप जाओगे मिंडा का बोल दो कि मेरे को मिंडा का चाहिए, मिंडा का मतलब ब्रांड से भी अच्छा, इस नाम से फेमस है, मतलब जो ब्रांड दे रहा है ना उससे भी अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको।
यहाँ देख रहे हो जैसे हम लोग एक ई कॉमर्स देखते हैं, वैसे ना वॉइस कॉमर्स अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पर आप वॉइस के लेवल पर काफ़ी चीज़ें करा सकते हो। वॉइस कॉमर्स का एक बेस्ट एग्जांपल है जैसे अपना एलेक्सा, अगर आप घर में एलेक्सा यूज़ करते हो और अमेजोन का ही पार्ट है बेसिकली, तो अगर आपके वो जो अमेजोन की आईडी होती है वही आईडी से आपका एलेक्सा लॉगिन होता है। बस अगर आपको लग रहा है घर में मेरे इन्वेंटरी में कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, एलेक्सा ऐड टू दिस इन टू माई कार्ट, तो एलेक्सा आपके कार्ट में सारी चीज़ें ऐड करता जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उससे क्या होगा, आप वॉइस कॉमर्स यानी कि आप वहाँ से कमांड दे रहे हो, वो आपके कार्ट में चीज़ें जा रही है सीधे, आपने अगर आपका पेमेंट गेटवे भी कनेक्टेड है तो आप पेमेंट भी वॉइस पे ही करवा सकते हो। अब देख रहे हो कि जैसे कि बहुत सारे उसमें एप्लीकेशंस में आपसे CVV कोड नहीं मांगा जाता एंटर करने के लिए, आपका कार्ड लगा हुआ है, आपका OTP ऑथेंटिकेट होगा और उसको रीड करके पेमेंट कर देगा, तो आपको उस OTP बोलना है अपना, आपसे OTP पूछेगा आपका एलेक्सा, आप उसको OTP बताओ दिस इज दिस, और वो जैसे उसमें सेट करेगा डन, तो सारा कुछ एलेक्सा हैंडल कर ले रहा है ऑटोमेटिकली। इवन दो कि आपका जैसे लंदन के अंदर अमेजोन ने कुछ इस तरह के स्टोर्स बनाए हैं जहाँ पर जैसा भी आप बिग बाजार वगैरह जाते हो तो क्या होता है एंड में बास्केट लेकर आप बिलिंग काउंटर पे पहुँचते हो, वहाँ ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अरे भाई कि क्यों बंदे को बैठाना, पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम बनाओ, उन्होंने पूरी जितना भी स्टोर की जितनी भी सेल्फ है वो सारी डिजिटल बना दी। जैसे ही आपने एक आइटम पिक किया सेल्फ से उनकी इन्वेंट्री से माइनस हो जाता है, जैसे आप रखते हो उनकी इन्वेंट्री फिर से ऐड हो जाता है वो आइटम, तो समझ गए ना। जैसे हमने उठाया सेंसर ने ट्रैक कर लिया कि यहाँ से एक आइटम लिफ्ट हुआ है, तो उसमें एक कमांड उन्होंने सेट कर दिया कि अगर मान लो किसी एरिया में 20 प्रोडक्ट रखे हुए और वो लेस देन 10 हो जाते हैं या लेस देन 5 की कंडीशन एग्जाम्पल ऐसा समझो, तो वो क्या करते हैं जिसके यहाँ से वो आइटम आता है उसको वो ऑर्डर भी प्लेस कर देता है ऑटोमेटिकली कि भाई ये आइटम ख़त्म हो रहा है, आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, इसको डिलीवर कराओ। उनके यहाँ से बंदा आएगा और सेट करके चला जाएगा स्टॉक। ये नहीं कि भाई शॉप पर आप खड़े हो, हाँ भाई आइटम ख़त्म होने वाला है लिख लो इसको, इतने पीस पहुँचा दो ख़त्म। तो मतलब सोचो कि ऑटोमेशन में सारी चीज़ें जा रही हैं आज की डेट में। सो वाई डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, तो जैसे आप एग्जांपल के देखोगे यहाँ पे एजाइल इटरेशन 1 2, ठीक है, यहाँ पर n n+1 एंड डिलीवर। तो जैसे यहाँ पर आप देखो वाटरफॉल डिज़ाइन, वाटरफॉल डिलीवर, तो यहाँ पर क्या है कि आपको अगर ऐसा कुछ बनाना है तो यहाँ पर देखो अलग अलग लेवल है। जैसे पहले क्या होता था खाली रूप, फिर उसमें एक टायर लगा हुआ है, फिर उस पर एक यहाँ पर स्विंग के लेवल बने हुए हैं, फिर एक सोफ़ा लगा हुआ है इस तरह से उसके अंदर। तो बेस्ट क्या रहेगा ये आपका है डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस कि हमें क्या उसमें लगाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लाइट वेट बनाना चाह रहे हो तो आपको कुछ इस तरह का बनाना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट है तो ये तो गलत है प्रोसेस, इतना हैवी चीज़ लगाना उसके अंदर, ठीक है, ना ही इसका सही से कोई बैलेंस होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग कहीं बाहर इसको लगा रहे हैं, ठीक है, तो वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है। तो आज के टाइम हम लोग देखते हैं घरों पे टेरेस के ऊपर हम लोग स्विंग वगैरह लगाते हैं, जैसे इसमें पूरे के ऊपर 3 लोग भी एक साथ बैठ के स्विंग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बालकनी के हिसाब से देखते हैं तो एक सिंगल हमारा कूपे शेप में बना होता है एक स्विंग, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ स्विंग्स अवेलेबल होते हैं। तो ये होता है डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस कि एक डिज़ाइन को फाइनल लेवल तक लाने के लिए आपको किन किन चीज़ों के निकलना है। तो ये एक आइडिया है कि किसी को आइडिया है, फिर उसको टायर वाला आइडिया है, फिर उसने इस तरह का फट्टे वाला आइडिया लगाया, फिर उसने सोफे वाला आइडिया देखा, फाइनल में उसने ये डिलीवर किया, ठीक है। तो आगे चलेंगे। सो अब हम लोग आते हैं अपने यहाँ पर जो हम लोग जनरली यू आई यू एक्स के सभी के पोर्टफोलियो में देखते हैं ना कि इस तरह से एक डिज़ाइन का हमारा लेवल बना होता है कि भी जैसे एम्पिथाइज, यहाँ से डिफाइन, आइडिएशन, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। सो ये है हमारा प्रोसेस पूरा एक फाइनल डिलीवरी तक का। तो जैसे आपका जो कोर्स है जनरली हम सभी का क्या है यू आई यू एक्स एडवांस, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका ये वाला पार्ट आता है एम्पिथाइज, देन फिर डिफाइन, आप चीज़ों को डिफाइन करो कि आपने उसके अंदर करना है क्या क्या है, ठीक है, फिर आइडिएशन कि उसके अंदर कुछ एडिशन ऑल्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है, देन जब वो चीज़ें बन जाए तो उसको आपने क्या करना होता है प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप करने के बाद हमें क्या करना होता है टेस्ट कि भाई सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं, कर रही हैं तो क्या हम उसमें से कोई स्टेप ऑल्टर कर सकते हैं किसी स्टेप को बचाने के लिए, क्योंकि बींग ए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हमारा काम किसी भी काम को अटैम्प्ट मतलब कंप्लीट कराने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाना नहीं है घटाना है। तो
आप नहीं ये देखना कि कितने कम स्टेप्स में हम वो चीज़ें फुलफिल करवा सकते हैं, ये ना हो कि कोई मेरा कॉम्पिटिटर जो 10 में करा रहा है मैंने उल्टा और 12 में कर दिया उसको, तो टाइम बढ़ गया ना उस चीज़ में, और कस्टमर को क्या चाहता है कि चीज़ें फटाफट से ख़त्म हो, ना कि उसमें और ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़े। तो ये सीधा सा आपने ध्यान रखना है। तो इनके देखो अंडर में किस में क्या क्या चीज़ आती हैं। फर्स्ट लेवल जो है हमारा उसमें आता है बिजनेस गोल, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसका सॉल्यूशन, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके फीचर्स एंड स्टेक होल्डर्स। डिफाइन, जिसमें रिसर्च क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ सिनेरियो पर सोचोगे, फिर उसमें से क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स ढूंढ के निकालोगे, फिर उसी के बेसिस पर पर्सोना निकालोगे और एक जर्नी मैप तैयार करोगे। आइडिएशन, जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग रहेगा, हमने 20 कार्ड बनाए हैं, 20 में से आप सोचोगे भाई जैसे 10 स्टेप्स हैं, 10 में से क्या मैं 8 में वो काम ख़त्म कर सकता हूँ, तो वो कार्ड शॉटिंग वाला काम आ जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा हमारा, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर यानी कि फ्लो, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसको प्रोटोटाइप कर लेंगे, ठीक है, तो एक आपका पूरा यूज़र फ्लो बन के तैयार होगा इसके अंदर। तो प्रोटोटाइपिंग के अंदर जाके आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप उसको अरेंज करके रख सकते हो कि किसके बाद हमने कौन सा स्क्रीन दिखाना है। प्रोटोटाइप, पेपर स्क्रिबल्स, यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं पेपर हम लोग अपना बना सकते हैं, ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं, तो आप अपने पास कोई डायरी या फिर कोई A4 शीट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप उसमें सारे फ्लो बना सकते हो। ब्लॉकिंग, हाई फिडेलिटी डिज़ाइन, ये भी आपका प्रोटोटाइप का ही पार्ट होता है। और उसके बाद फाइनल हाई क्वालिटी मॉकअप। देन फिर आता है टेस्टिंग, रिमोट वर्सेस इन पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि आप इन हाउस टेस्ट कर रहे हो, या फिर आपने एक लिंक पब्लिक कर दिया जिस पे क्लाइंट एंड पर आपकी टेस्टिंग चल रही है, और यहाँ पे एक्सप्लोरेटिव वर्सेस कंपेरेटिव, तो आप यहाँ पर कंपेयर करोगे अपने पहले डिज़ाइन को नए डिज़ाइन के साथ कि भाई हमने पहले वाले को जो एक्सप्लोर करके डिज़ाइन किया है, अब नए वाले में हमने क्या इम्प्रूवमेंट किया उसके अंदर। तो ऐसा नहीं कि आपने ओरिजिनल डिज़ाइन को चेंज करते जाना है, नई कॉपी बनेगी तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे पहले में और अब में क्या डिफरेंस है, या क्लाइंट कंपैरिजन देख पाएगा कि पहले इतना चल रहा था, नेक्स्ट वाले में हमने कितने नंबर ऑफ स्टेप्स घटाए हैं या उसमें बढ़ाए हैं, ठीक है, चीज़ों को कितना रिफाइन किया है। सो ये है हमारा पूरा डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप हैं, जब ये सारी चीज़ें पूरी होंगी तब डिफाइन पर आओगे, डिफाइन पूरा करोगे आइडिएशन, आइडिएशन पूरा करोगे तो प्रोटोटाइप, देन टेस्टिंग पार्ट। अब अगर हम लोग कोई मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो फ्लो यही रहेगा, और अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो तुम्हारे कोर्स के अंदर कोडिंग भी दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ तक आ जाते हो तो इसके बाद फिर आपका कोडिंग वाला पार्ट आएगा, और कोडिंग के बाद फिर आपका टेस्टिंग वाला पार्ट आएगा प्रोटोटाइप के बाद, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे बिजनेस गोल के अंदर, जैसे कि बस इजी, राइट वेल वर्क वेल, UI UX केस स्टडी है। शंकर भेजना है लड़के को पानी ला देगा यार, ऐसे आप ना किसी का भी ले सकते हो, जैसे कि रेड बस है, ठीक है, एक यहाँ पर दिल्ली NCR में आज की डेट में काफ़ी फेमस हो गया, जिससे आप कहीं भी जा सकते हो, विच इज़ इंटरसिटी। नाम सुना है? नहीं सुना? जिंग बस काफ़ी फेमस हो चुका है दिल्ली NCR के अंदर, ठीक है, ये है इंटरसिटी। किसका? ट्रेन तो हर जगह पर, मतलब हर जगह से अवेलेबल होती है इंटरसिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए जो होती है ना, इंटरसिटी एक नहीं है, बहुत सारी है। हाँ, तो जैसे बरेली से अगर होगा तो बरेली इंटरसिटी होगा, ठीक है, अगर हरियाणा से होगा तो हरियाणा इंटरसिटी होगा, तो वो हर जगह पर है इंटरसिटी, एक कॉमन वो है कि एक जगह से दूसरी। तो जैसे आप यहाँ से कश्मीरी गेट से अगर कहीं जा रहे हो तो आप देखना इस तरह के आपको डिज़ाइन में एक बस दिखाई देगी, जिसको क्लियरली हम लोग समझ जाते हैं कि ये इंटरसिटी का ब्रांड की बस है। तो इंटरसिटी ने क्या किया, टाई अप किया और बस को ना अपने हिसाब से लेवलिंग करा दिया,
ताकि उसका एक पता चले क्लियर अलग से कि भाई ये इंटरसिटी की बसेस है, या जैसे रेड बस अगर आप देखोगे तो उस पर कहीं ना कहीं रेड बस का आपको लगा मिल जाएगा, या फिर जैसे जिंग बस आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा। बाकी कुछ हैं अलग से ब्रांड जो अपने खुद की भी बसेस चलाता है, और काफ़ी अच्छी खासी 100 100 बसेस के ओनर भी दिल्ली NCR में बैठे हुए हैं, जिनके पास 100 100 बसें हैं वॉल्वो। तो इतना तगड़ा मार्केट है इनका। तो आज की डेट में ये सोचिए कि जहाँ लोग कार्स वगैरह ऑन कर रहे हैं, सारी चीज़ें रखते हैं, लेकिन फिर भी इन बसेस की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है? सीधी सी बात है यार, देखो अगर आप शिमला मनाली घूमने का प्लान कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर पर, आप यहाँ से लेके वहाँ तक ड्राइव करोगे, ओवरनाइट ड्राइव करके आप इतने एग्जॉस्ट हो कि वहाँ जाकर आप एंजॉय तो कर नहीं पाओगे। तो वहाँ पर बढ़िया तरीका क्या है, आप इंटरसिटी से या फिर रेड बस से या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिंग बस जैसे एग्जांपल के तौर पर, उनमें आप पूरा का पूरा स्लीपर वाला वो ले लो। ठीक है, दो तरह की बसेज होते हैं, एक तो जिस जो डबल डेकर होती है जिसमें ऊपर सोने का होता है नीचे सिटिंग का होता है, आजकल कुछ बसेज ऐसी जिसमें 7 8 लोग बैठ सकते हैं, बाकी नीचे और ऊपर दोनों में आराम से सो के जाओ बढ़िया से। ठीक है, आप डेस्टिनेशन पहुँचोगे बिल्कुल फ्रेश उठोगे, जाओ होटल में चेक इन करो, अपना फ्रेशन अप हो जाओ, ब्रेकफास्ट करो और साइट सीइंग के लिए निकल जाओ। एक तो हो गया बस वाला सिनेरियो। क्या अब कार से ड्राइव करके ये सिनेरियो होगा? पहले से जो बंदा ड्राइव कर रहा है वो तो खैर कंडीशन में होगा ही नहीं। यही बंदो जो बैठ के गए, अगर गाड़ी में कैप्टन सीट्स नहीं है, लाइक इनोवा जैसी अगर कोई कार नहीं है, तो बंदा पीछे वाला भी थका हुआ ही मिलेगा। ठीक है, वो बात अलग है कि डेस्टिनेशन पहुंच के उसके अंदर एक एक्साइटमेंट लेवल हाई हो तो वो चलो चलते हैं, बट उसकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी। क्या बताओ तुम? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ही स्क्रीन के अंदर हमें यहाँ पर बस दिखाई दे रही है, कुछ उसके एम्प्लॉयज़ दिखाई दे रहे हैं, पूरा थीम के अंदर हमारा पेज बना हुआ है, उसी में नीचे में ऑफरिंग्स भी दिखाई दे रही है ना। अब जैसे यहाँ पर हम लोग दूसरा देखेंगे, जिंग बस का आप ओपन कर लो और एक रेड बस ओपन कर लो। तो रेड बस का थीम रेड बस के अकॉर्डिंग ही है ना, लेकिन रेड बस बसेस के मॉडल में देखा जाए डिजिटल बुकिंग के अंदर पहला सिस्टम है। वैसे तो सभी अपने अंदर अलग अलग स्टेट में, जैसे UK का अगर आप देखोगे उत्तराखंड की बसेस का ऑनलाइन बुकिंग बहुत पहले से चल रहा है, आज से नहीं है। ठीक है, हिमाचल की अगर आप बुकिंग का देखोगे HSRTC का, तो उनका भी बहुत पहले से अवेलेबल है, इसी तरह से UPSRTC का भी पहले से अवेलेबल है, लेकिन जो कन्वीनियंस इन्होंने दिया वो उनके ऐप में नहीं था, तभी ये लोग मार्केट में जगह बना पाए अपनी। वो सिर्फ अपनी स्टेट में सर्विस दे रहे हैं, ये ऑल ओवर जगह पर आपके सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ, वो अलग होती हैं, वो सर्विस अलग है, नहीं है लेकिन वो सर्विस अलग है, वो इसमें नहीं आती। वो तो वाला सिस्टम होता है, जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी से एक पैकेज ले लिया, उन्होंने मेरे को ट्रैवलर दे दिया, पूरी फैमिली को वो सारे साइट सीइंग करा रहे हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज़ हो गया। ये जैसे दिल्ली की जो तुम बस देखते हो दिल्ली दर्शन, तो सारी जगह की दिल्ली की जितनी पॉपुलर आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो सारे आपको विजिट कराते हैं, इनके उसमें भी ऐसा वाला मॉडल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्यों बुक करना चाहिए, तो जैसे पंचुअलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, रिलायबल है, ठीक है, सेफेस्ट बसेज हैं इनकी, सिक्योर बस ट्रैवल एंड कन्वीनियंट इंटरसिटी ट्रैवल। हम अपनी केस स्टडी पर आते हैं। तो एक है बस इजी, बस इजी से मोबाइल एप्लीकेशन दैट रेवोल्यूशनलाइज द डेली ऑफिस कम्यूट एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर एम्प्लॉयज टू बुक प्राइवेट बसेस फॉर देयर राइड्स टू वर्क। तो जैसे आप देखते हो दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए हमारे क्या चलती है, शटल, देखा? ऊबर की भी शटल अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा बहुत सारी बसेस के ऊपर ना ब्रांडिंग रहती है, शटल लिखा रहता है उसके ऊपर। शटल का मतलब क्या है, जैसे गुड़गांव से लोग जब ऑफिस से निकलते हैं ना,
तो अपना ऑफिस से निकलने से पहले ही ना, जैसे आज शाम को 7 बजे निकलना, अपनी बुकिंग डाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारी शटल निकलती है, एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, उनके स्पॉट फिक्स है कि बस स्टैंड पर आपने मिलना है, आपको पिक करेंगे और आपके डेस्टिनेशन पर छोड़ देंगे। डिजिटल सिस्टम है पूरा, ठीक है। तो गुड़गांव जाके आज के डेट में जॉब करना इसलिए आसान होगी क्योंकि भाई आप एक कैब लेके वहाँ तक पहुँचो, अब डेली एक बार बार की बात है तो ठीक है, लेकिन डेली कैब लेके जाना तो बंदा कोई बात नहीं, बात होगी कि बचाएगा क्या अगर कैब में सारा लगा देगा। तो शटल क्या है, बहुत नॉमिनल चार्जेस के ऊपर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से बे पॉइंट पर पहुँचा देती है। तो ये शटल अलग अलग टाइप के ब्रांड्स की अवेलेबल है आज की डेट में, जैसे ऊबर का भी अपना शटल अवेलेबल है गुड़गांव के अंदर, आप बहुत ईजिली यहाँ से अपनी बुक कर सकते हो। तो यहाँ से जाओगे रिजर्व और राइड, लॉगिन वगैरह कर लेना, उसके ऊपर अकाउंट वगैरह बनेगा तो आप उसके अंदर देख पाओगे, ऐसे इनका भी है यहाँ पर। तो गुड़गांव के अंदर आज की डेट में शटल ने काफ़ी अच्छा काम किया, इवन दो कि आप यहाँ से NCR से गुड़गांव तक जॉब के लिए जा सकते हो शटल बुक करके। अगर आप चाहते हो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए चाहिए, तो गाज़ियाबाद से शटल चलते हैं स्पेशली गुड़गांव जॉब करने वालों के लिए, तो अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं अपना, आपको ऑफिस का टाइम के हिसाब से बचा देते हैं, अलग अलग शटल निकलती है। ऐसी ना एक रेड बस वालों ने बाइक पुल निकाला, बाइक पुल सर्विसेज, तो जैसे क्विक राइड, अल्टीमेट बाइक पूल ऐप, ई पूलर्स, कार पूल, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कहीं पर जॉब के लिए जाते हो और आपको लगता है कि मेरे को उस पर्टिकुलर रूट पर अपनी राइड को शेयर करना है किसी के साथ, तो आप बाइक के ऊपर भी शेयर कर सकते हो। आप जैसे मान लो यहाँ से दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो जॉब के लिए, तो बहुत सारे लोग होंगे जो उसी सेम रोड को फॉलो करते वहाँ तक जाते होंगे, तो आप अपना इस तरह से राइडर्स ढूंढ सकते हो जिससे आपका जो कॉस्ट है फ्यूल कॉस्ट उसको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग मिल जाते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे कार पूल, कार पूल के अंदर सबसे फेमस है बिला बिला, अगर आपने नाम सुना हो बिला बिला कार पूल, नहीं सुना? ओला उबर सुना है ना। अब बिला बिला की मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आपको कम पैसों में कहीं घूमने जाना हो, इन ड्राइव उतना अच्छा नहीं है, इन ड्राइव पे पैसे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, बिला बिला में आप 500 रुपये में हिमाचल पहुँच सकते हो, ठीक है। अब मान लो जैसे एक बंदा है जो जा रहा है, बस आपको क्या करना था, बिला बिला के ऐप में जाके अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, ये मेरी आईडी है, सारी चीज़ें। अब एक बंदा खाली खाली गाड़ी लेके जा रहा है, तो सोचता है चलो 500 रुपये पर सीट के मुझे कुछ मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है ना, तो आपको बहुत उस पर भी नेगोशिएशन आप कर सकते हो और बहुत अच्छी राइड मिल जाती है। हाँ हमेशा, अभी अभी फ़ोन ऑन कर लो और देखो, सर्च कर लो, कहीं के लिए भी तुम्हें राइड मिल जाएगी। ऐप है ये, इसका ऐप है। तो यहाँ पर जैसे आप जाओगे लिविंग फ्रॉम गोइंग टू, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ लिविंग फ्रॉम दिल्ली, और यहाँ से आप डाल दो जैसे कि कालका हरियाणा, कहीं की भी ले लो, कहीं की भी, आगरा जाना आगरा चले जाओ, मथुरा जाना मथुरा चले जाओ, आप बस के पैसों में गाड़ी में घूम के आ जाओ, ठीक है। प्राइवेट कार होती है, तो कमर्शियल नहीं होती। मतलब जैसे मैं गाड़ी लेके कहीं जा रहा हूँ, या जैसे मैं डेली ऑफिस आता हूँ कार से, तो मैं प्रीतवार तक अगर कोई आना चाहता तो मैं साथ में ला सकता हूँ, तो खाली गाड़ी दौड़ाने से अच्छा है नहीं। तो इसलिए तो बोला कि जो बुक करता है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है, सारी चीज़ें हैं सेफ। अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, बहुत सालों से, अभी से नहीं है। नीचे जाओगे ना, क्या इन्होंने मेंशन किया इनकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी, ड्राइवर की भी डिटेल आपको सारी दिखती है। इवन जब आप जैसे मान लो कि मैं आपको लिखा है, तो आप मुझे भी रेट करते हो कि बंदा सेफ चला रहा है, सारी चीज़ें सेफ एंड सिक्योर है, तो रेटिंग होती है उसके ऊपर भी, ऐसे नहीं होता।
तो ये भी बस इनको एक आइडिया है कि इस तरह का कुछ होना चाहिए। आज का नहीं है, मैंने पहली बार 2013 में बुक किया था इनका आईटीओ से, और 600 रुपये में उन्होंने मेरे को हिमाचल पहुंचा दिया था, और वो भी इनोवा के अंदर। आती नहीं है ये, तो क्या होता है जैसे मान लो कि आप, जैसे मैंने एक राइड जनरेट किया, ठीक है, वो सबको पब्लिकली दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आप उसमें टाइम सेट कर दो मैं इस टाइम पर निकल रहा हूँ, तो बंदे सर्च करते हैं, वो देखते हैं अच्छा इस टाइम पर ये बंदा जा रहा है, तो आपको कॉल करके कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, आपस में आपको जम रहा है उस टाइम पर निकलना है, या फिर आप अपनी पिकअप पॉइंट की लोकेशन भी चेंज करा सकते हो, लेकिन अगर उसी बंदे के रूट पर हो, ऐसा नहीं ऑल ओवर इधर भी यहीं यहाँ मेरे घर पर लेने, ऐसा सिस्टम नहीं होता इसमें, क्योंकि आपको बहुत सस्ती राइड मिल रही होती है, तो आपको ड्राइवर के अकॉर्डिंग जाना है, ना कि ड्राइवर आपके अकॉर्डिंग आएगा, तो आपको मेन लोकेशन पर मिलना है, मेन रोड पर मिलना है, किसी इंटरनल उस पर नहीं। तो जैसे मान लीजिए प्रीतिवार का विकास मार्ग रोड है, अगर यहाँ से कोई बंदा निकल रहा होगा तो आप यहाँ से लेके जा सकते हो, ठीक है, इजीली। तो बहुत सही फीचर है इनका, जैसे यहाँ से न्यू दिल्ली, तो आप यहाँ पर देख रहे हो अलग अलग जगह से, जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए आपने देखनी है, तो यहाँ से आपको राइड्स दिख जाएंगे। देखो डाल के 550 रुपये, 590 रुपये कार में जाओ, 610 रुपये खर्च करके, बढ़िया गाड़ियाँ होती हैं, आप जिस जिसको भी क्लिक करोगे आपको गाड़ी का पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी है, ठीक है। और तुम बिलीव नहीं करोगे, ऑडी वीएम वाले भी अपनी राइड शेयर करते हैं तो वो भी मिल जाते हैं तुम्हें इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे मैं पहला वाला ओपन कर लेता हूँ, देखो बंदे ने अब डाला 4 घंटे 50 मिनट, 9:10 निकलेगा, 2 बजे आपको वहाँ पे पहुँचा देगा चंडीगढ़, 550 रुपये लेकर। यहाँ से क्लिक करो, ठीक है, तो क्या लिखा रहा है, वेरीफाइड प्रोफाइल, यानी कि ये जो ब्ला ब्ला कंपनी ने इसने इसकी प्रोफाइल को वेरीफाई किया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम 2 इन द बैक, मतलब कि पीछे की 2 सीट्स खाली है, 550 550 या 2 लोग बंदे पे करो, आराम से बैठ के जाओ, इतने में तो तुम्हारी कैब भी बुक करोगे वहाँ तक जाने के लिए, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मेरा ट्रायल टेस्टेड इसलिए बता रहा हूँ, तो ये आप कर सकते हो इस तरह से। तो एक बंदे का प्राइस ये है, मैंने क्या बोला, अगर आप फैमिली के साथ भी हो या आप अकेले भी हो, इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं है सस्ते में कहीं जाने का। चंडीगढ़ तक की जो सिंपल आप अगर गाड़ियाँ बुक करते हो, मरे से मरे 2500 रुपये एक गाड़ी जाती है, ठीक है, और 3 से 4 हज़ार रुपये तक भी आपको मजदूरी में पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर बड़े आराम से आपको अपनी कन्वीनियंस हिसाब से जल्दी में गाड़ी बड़े इजीली मिल जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखो 590 रुपीज़ ले रहे हैं चंडीगढ़ तक का, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो बता रहा है कहाँ से लेगा, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन इसका पिकअप पॉइंट रहेगा, यहाँ से ट्रिब्यून चौक में छोड़ेगा ये। अगर आपका उसी रोड पे कहीं पड़ता है तो वहाँ पर आप ना ले जा सकते हो, नहीं तो आप 500 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दो, बंदा छोड़ भी देता है आपको। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो मेरी खुद की ना कैब चलती है, तो जब दिल्ली जैसे आती है ना, तो होता क्या ना कि यहाँ से हमें सवारियाँ नहीं मिलती, तो हम क्या करते, बला बला बढ़ा देते अपनी राइड बना के, और आराम से उससे ज़्यादा कमा के ले जाते। कैब चलती है चंडीगढ़ में, हाँ 10 गाड़ियाँ मेरा फ्लीट है, फ्लीट फ्लीट मतलब मैंने ओला उबर में गाड़ियाँ दी हुई हैं अपनी, तो ओला उबर वाले खुद ही राइड कराते हैं सारी चीज़ें। तो जब जैसे यहाँ पर कई बार मुझे अपने लिए मंगानी होती है ना पर्सनली, जैसे मुझे अभी 7 लास्ट मंथ में इलाहाबाद गया था, अपनी गाड़ी से गया था, अपनी कैब मंगाई थी मैंने, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एक नई गाड़ी ली थी, मैं हर साल एक गाड़ी खरीदता हूँ, ठीक है, तो उसमें ऐड होती जाती है, ऐसा आपका एक बिजनेस मॉडल बन के तैयार हो जाता है। तो मतलब बैठे है आपके 4-5 लाख रुपये हर महीने का सेट है, आते रहते हैं वहाँ से। आपका डिपेंड करता है कि अगर आप 24/7 गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो आराम से आप 50,000 रुपये मान के चलो आपको मिलेगा ही मिलेगा महीने, वो सब उनकी टेंशन है, हमारी नहीं है, सब कुछ उनका, हमारा कुछ नहीं, अपनी गाड़ी अपना पैसा, बात खत्म। तो जब हम लोग यहाँ मंगाते हैं ना, तो यहाँ से गाड़ी खाली जाए अननेसेसरी लॉस में, वैसे तो क्या होता है जैसे चंडीगढ़ तक का जो सीएनजी का खर्चा आता है, तो मान के चलो 700-800 रुपये की सीएनजी लगती है गाड़ी में, डिज़ायर ओनली, क्योंकि वहाँ पर लोग डिज़ायर की डिमांड करते हैं, वहाँ पर ये नहीं चलती वैगन आर जैसी गाड़ी है ना, तो वहाँ पर लोगों को, चंडीगढ़ के अंदर फ्लीट है, चंडीगढ़ से पंजाब जलंधर हिमाचल हर जगह गाड़ियाँ जाती हैं। क्या
कमर्शियल होनी चाहिए पहली चीज़, प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। एक ड्राइवर आज के डेट में 20,000 रुपये सैलरी लेता है, पहले 15,000 का स्टैंडर्ड था, 15 का अभी भी है। लेकिन देखो दो तरीके होते हैं, अगर आप खुद से चला रहे हो अलग से डिस्कस करेंगे, अभी क्लास की बात करते हैं। तो हमने एक मॉडल समझा कि डिफरेंट डिफरेंट आज की डेट में आइडियाज़ अगर आपके पास यूनिक है तो आपको डेफिनेटली इन चीज़ों का काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। जैसे मैंने आपको शटल का बताया या जैसे मैंने आपको बिला वाला का बताया, तो जैसे ही ना अगर आप मान लो कि बहुत अच्छी गाड़ी आप अगर कहीं ड्राइव करके खुद लेके जाना चाहते हो, तो एक वेबसाइट है सेल्फ ड्राइव कार, ठीक है, इसमें आपको जूम कार मिल जाएगा, माई चॉइस मिल जाएगा, ठीक है, हैप्पी इजी राइड्स मिल जाएगा। तो ये आपके तीन ब्रांड आ गए, इसी में आपका एक आता है जूम कार। जूम कार पे आप जाओ, आप गाड़ी रेंट पर ले लो, खुद चलाओ, चलाना आता है, ठीक है। और यहाँ से आपको कहाँ से कहाँ के लिए चाहिए आप बस जगह बताओ, जैसे दिल्ली से मुझे चाहिए, कब चाहिए, किस टाइम पर चाहिए, ठीक है, वो सारा कुछ इसके अंदर आप फिक्स कर दोगे। तो यहाँ पर इनकी सजेस्टेड लोकेशन जो रहती है बाई डिफॉल्ट दिल्ली में यहाँ यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो जनरली एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन से आपकी यहाँ पर अवेलेबिलिटी रहती है इनकी, आपने यहाँ से लिया, आज की डेट में चाहिए, स्टार्ट टाइम एंड टाइम इतना, और यहाँ से आपने सर्च कर लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो गाड़ियाँ मिल गई, ठीक है। क्या ले रहे हैं खर्च आपसे, 197 रुपीज़ पर आवर का, खुद चलाओ और वापस ले आके वहीं दे दो। अगर आपके पास बनता नहीं कि भाई मैं गाड़ी लेने नहीं जा सकता, तो थोड़े से पैसे और एक्स्ट्रा पे करो, उनका ड्राइवर आएगा गाड़ी ड्रॉप करके चला जाएगा, फिर आप अपने यहाँ से पिकअप करा दो कि भाई ये ले जाओ मेरा काम हो गया। तो इस तरह से गाड़ियाँ आपको सेल्फ ड्राइविंग के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन, महीने भर के लिए अगर आपको रेंट पर गाड़ी चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो। और इसमें आपके पास अगर प्राइवेट कार है तो अपनी प्राइवेट कार इसमें अटैच भी करा सकते हो, यहाँ से अर्निंग भी हो जाती है जूम कार के थ्रू। तो ये भी आराम से 20 से 30,000 रुपये मिनिमम महीने का कमा के दे देते हैं आपको। गाड़ी आपके घर पर रेडी एकदम सर्विस होकर खड़ी रहनी चाहिए हमेशा, जिसको भी गाड़ी चाहिए होगी वो आपके घर पर आएगा, चाबी लेगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा और गाड़ी लेके चला जाएगा, फिर वापस ला के गाड़ी आपको हैंड ओवर कर देगा, राइड उसकी ओके हो जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या करते हैं ना, एक आपका एक सिक्योरिटी अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं लोग। तो गाड़ी में फास्टैग वगैरह सब कुछ लगा लगाए मिलेगा आपको, आपने बस बैठना है, पेट्रोल भी डलाओ मिलेगा, कुछ नहीं करना, बस लेके जाओ मस्त आराम से। तो जिसका जैसा बजट वैसी गाड़ी ले लो। तुम्हें इसके अंदर अगर लग्जरी कार चाहिए तो मर्सिडीज़, ऑडी, वीएम सब मिलती हैं इसके अंदर, लेकिन आपको उसका एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है, पता चला तोड़ फोड़ है। वैसे इंश्योरेंस आपका भी रहता है, गाड़ी का भी रहता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अनहोनी का कुछ नहीं पता होता, कोई टेंशन नहीं है, हमें कुछ नहीं देना, हम खुद भी सिक्योर रहेंगे, गाड़ी भी सिक्योर रहती है, इंश्योरेंस रहता है। हाँ वो कंपनी देखेगी, आपको कोई टेंशन नहीं जरूरत नहीं। यहाँ से आप सब चूज़ कर सकते हो, 4 सीटर, 5 सीटर, 6, 7 सीटर, हैचबैक, सेडान, एक्सयूवी, लग्जरी, ठीक है। यहाँ से आके लग्जरी चूज़ कर लो, तो जैसे आपको इसमें सफारी अभी के लिए अवेलेबल हो रही है इसके अंदर 2022 मॉडल, तो ले सकते हो। 11 ट्रिप इस गाड़ी के ऊपर हो चुके, 5 स्टार रेटिंग है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है, तो सब मिल जाती है आपको। तो आप यहाँ से जितने दिन के लिए लेना चाहते हो अपना ले सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ से इसमें एक ऑप्शन और रहता है कि रिटर्न एंड ड्रॉप, तो जैसे हमने यहाँ से लिया, ये हमारा पिकअप हो गया, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? विंटेज कार एक्चुअली सिटी राइड के लिए अलाउड नहीं होती है। विंटेज कार पर्टिकुलर क्या होता है, जहाँ पर होती है उसी लोकेलिटी में नियर बाय 5 किलोमीटर्स का रेडियस होता है अलाउड। जैसे अगर आप जयपुर वगैरह जाओगे, जोधपुर जाओगे, उदयपुर जाओगे, अगर आपको विंटेज कार की राइड लेनी वहाँ पर ले लो, आपको एक डिसेंट अमाउंट 10-15,000 रुपये पे करना पड़ता है गाड़ी का, ठीक है। खाली अगर फोटोग्राफी करानी है तो 500 रुपये का पर पिक्चर आप क्लिक करा सकते हो विंटेज कार के साथ, ठीक है। लेकिन वो एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर ही आप चला सकते हो, क्योंकि उससे बाहर अगर आप लेके जाओगे तो RTO उसके ऊपर बैन लगा देता है, क्योंकि इंजन पुराने हो चुके होते हैं ना, अलाउड नहीं होता। तो इस तरह के बहुत सारे
अलग अलग यूनिक बिजनेस मॉडल आइडियाज़ वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हो। तो यहाँ सब डिस्टेंस वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर किस तरह का आपको चाहिए, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ आपको मिल जाएगी इसमें। क्या हुआ? मैं जूम कार से बहुत बार ले चुका हूँ। हाँ, जैसे मुझे कई बार, मेरे पास जैसे 5 सीटर कार है ना, मुझे कई बार फैमिली के साथ जाना होता है तो मुझे 7 सीटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं बुक करता हूँ। जनरली इनोवा मुझे लॉन्ग रूट के लिए चाहिए होती है, मैं ले जाता हूँ 3-4 दिन के लिए। कम खर्चा पड़ता है क्योंकि आप ड्राइवर को लेके जाओ, वो अपने हिसाब से चल रहा है, दूसरा फैमिली ट्रस्ट नहीं करती भी सेफ चलाएगा नहीं चलेगा, पता चला सो गया, क्योंकि ड्राइवर की जनरली कहानी ऐसी होती है। तो उससे अच्छा है कि फैमिली को सेफ रखो, अपना जहाँ रुकना है रुकाना, अपने मर्जी से अपना चलो, नहीं तो एक सीट वो रिजर्व कर लेगा, फिर उसका रहने का खाने का हर चीज़ का खर्चा आपको झेलना पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं। सो बेटर इसकी गाड़ी अपनी लेके जाओ, 2 दिन के लिए जाना है, 3 दिन के लिए जाना है, हफ्ते भर के लिए जाना है, अपना ला के गाड़ी रिटर्न कर दो। तो मैं जनरली इनोवा प्रेफर करता हूँ, यहाँ से बड़ा आराम से अपना काम हो जाता है, मिल जाती है इजीली। तो इसमें क्या होता है कि मैंने जब तक बुक किए हैं तो हमारा क्या रहता है, इसमें एक वो रहता है सिक्योरिटी अमाउंट, 5,000 रुपीज़ समथिंग आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है, वो आपका रिफंडेबल होता है, बाकी आपका पर डे के हिसाब से जो चार्ज रहता है वो अपना पे करते रहो। आज की डेट में गाड़ी खरीदने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इस तरह की मॉडल्स को ऑप्ट करो, क्योंकि क्या होता है ना, कार के अंदर आज की डेट में मॉडर्न गाड़ियाँ जितनी भी है ना, 40 से 50 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। अब 40-50 हज़ार रुपये इंश्योरेंस पे लगाना है, और हो सकता है कि आपको महीने में शायद 2 बार या 3 बार या 4 बार में कहते हो गाड़ी की ज़रूरत हो, ठीक है। अब बाहर जा रहे हो आउट स्टेशन, तब भी हद मार के आपका 15,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं आएगा गाड़ी के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो गाड़ी लेने का उनका बेनिफिट है जिनका रनिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आपने गाड़ी ली 15 साल, अगर आपने गाड़ी रखी और आपकी गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर भी नहीं चली, तो यानी कि आप गाड़ी को इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। क्योंकि सीधी सी बात है, कम से कम एक कार 1 साल में 50,000 किलोमीटर चलनी ही चाहिए, तभी आप गाड़ी की कॉस्ट रिकवर कर पाते हो, नहीं तो गाड़ी कॉस्ट नहीं निकलती। एक कार कम से कम 7,00,000 किलोमीटर चले तो उसकी कीमत वसूल हुई है, नहीं तो कीमत वसूल नहीं होती गाड़ी की, तो आप हमेशा लॉस में देते हो गाड़ी अपनी। मतलब ले लिया तो एक सबसे बड़ा लॉस है, प्लस उसके बाद हर साल उसका जो इंश्योरेंस करा रहे हो वो लॉस है, प्लस फिर मेंटेनेंस, वो आपको कराना ही कराना है। चलो वापस आते हैं अपने इसके अंदर। तो ये क्या है, एक बस इजी, जो कि लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी लाइफ को आसान बना रही है, एक जगह से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने के लिए। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ऑफिस कम्यूटर्स ऑफन फेस न्यूमरस चैलेंजेस व्हाइल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फॉर देयर डेली राइट्स टू वर्क। दीज चैलेंजेस इंक्लूड अनप्रोडक्टेबल एंड इनकंसिस्टेंट शेड्यूल, ओवर क्राउडिंग एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए आप मेट्रो वगैरह देखते हो, अगर आप गुड़गांव जॉब करने के लिए जा रहे हो, मेट्रो तो अवेलेबल है, एसी में जा रहे हो, सारी चीज़ें, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। और सीधी सी बात है, एक टाइम ऐसा है कि आप फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ने का प्लान करो, तो जनरली लोग क्या देखते हैं कि कंपनी कैब सर्विस प्रोवाइड कर दे। अब कंपनी कैब सर्विस देती तो उसके साथ भी एक बड़ा चैलेंज है, उसका रूट ऐसा होता है कि जो जिस रूट पर पहले पड़ता है उसको छोड़ते वो लास्ट वाले को ड्रॉप करते हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि लास्ट वाले को पहले छोड़ेंगे फिर वो दूसरे को छोड़ेंगे। रूट होता है कि इस रूट से मैंने ड्रॉप करते जाना है और इस रूट से मैं पिक करते जाना होता है, सीधा सा सिस्टम है, तो इसमें भी टाइम एग्जॉस्ट हो रहा है हमारा। सो बेटर इज़ ये कि कहाँ से कहाँ तक के लिए आपको लेना है, एक बार अपना रूट प्लान करो और अपना आराम से बैठ के आओ, क्योंकि इसलिए ना रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी हो गया हर एक चीज़ के अंदर। यहाँ से इनसफिशेंट रूट्स, यहाँ पे लैक ऑफ बुकिंग कन्वीनियंस एंड लिमिटेड सर्विसेज ऑप्शंस, तो ये प्रॉब्लम है। इसी का जो सोल्यूशन है वो हमें इस ऐप के अंदर मिल रहा है। तो जैसे प्रेडिक्टेबल एंड एफिशिएंट शेड्यूलिंग, आपका पहले से पता है कि ये बस यहाँ पर आपको इस टाइम पर मिलेगी, आपने अपना टाइम इसके अंदर डाल दिया कि भाई मेरे को 7 PM पर या 7 o'clock मॉर्निंग में मुझे बस चाहिए, ठीक है। कंफर्टेबल एंड स्पेशियस राइड्स आपको मिल रही है इसके अंदर, रूट का ऑप्टिमाइजेशन है इसके अंदर, कन्वीनियंट बुकिंग प्रोसेस है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, यूज़र फोकस्ड एक्सपीरियंस है उनका। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोल्यूशन है एप्लीकेशन के अंदर।
तो जैसे इनके कॉम्पिटिटर कौन है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो शटल, रेड बस, अभी बस भी काफ़ी फेमस है अच्छी में, एक सिटी फ्लो, तो ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो जब भी हम लोग किसी ब्रांड के लिए बिजनेस के लिए काम कर रहे होते हैं तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है कि आपके कॉम्पिटिटर अपने डिज़ाइन में, अपनी सर्विसेज में क्या ऐसा एडिशनल दे रहे हैं जो आप नहीं दे रहे हो, क्या वो जो दे रहे हैं क्या हमें अपने बिजनेस मॉडल में ऑप्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक वेबसाइट आप अमेज़ॉन देखते हो, फ्लिपकार्ट देखते हो, ठीक है, जनरली दोनों का पर्पज़ क्या है कि अपने एंड यूज़र को कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना, ठीक है। अब दोनों के अंदर क्या आती है, एक्सपीरियंस की बात, कि कौन कितना अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है, किसका डिज़ाइन कितना ज़्यादा क्लियर है, वहाँ से क्लियरिटी हमें कितनी ज़्यादा मिल रही है। तो जैसे अगर आप देखोगे फ्लिपकार्ट की में आज की डेट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, सो मे बी आप लोगों ने नोटिस किया है नहीं किया, वहाँ पर एक ऑप्शन आ गया वीडियो सपोर्ट, जो कि पिछले 3 से 4 महीने से एक्टिव है। चला के देखो फ्लिपकार्ट अपना, नीचे आता है, कोई प्रोडक्ट सर्च करो, कोई अप्लायंस चूज करने की कोशिश करो, कुछ दिखाई दे रहा है मेरे फोन में, लाइव वीडियो सपोर्ट नीचे आ रहा है, दिख रहा है, ऐसे सर्च करो शायद तुम्हारे फोन पे भी दिखाई दे। तो इनका ना एक बहुत अच्छा इनिशिएट है कि मतलब एक यूज़र जो कंफ्यूज हो रहा है किसी प्रोडक्ट को लेने में, तो वहाँ पर उसको एक एक्सपर्ट की राय चाहिए, तो वो उसमें अवेलेबल है। तुम्हारे में नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसे फीचर मेरे पास ही क्यों दिखते हैं, देखा ना ज़रा फ़ोन, ऑनलाइन वालों कोई कंफर्म करो कोई ऑप्शन आ रहा है क्या वीडियो सपोर्ट का, कौन सा फोन है, सैमसंग कौन सा है, रेडमी, नहीं आ रहा क्या, ऐप नहीं देख रहा, ये देखो तुम्हारे सामने ऐप ऑन कर दूं, ऐप चलाओ, चलो कोई नहीं, बट मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसा सर्विस अवेलेबल है आज की डेट में, ठीक है, हो सकता है कि मॉडल टू मॉडल थोड़ा सा भी हो, धीरे धीरे सभी के उसमें आ जाए। तो यहाँ पर देख रहे हो कि अमेज़ॉन जो हमें नहीं दे रहा है वो फ्लिपकार्ट हमें दे रहा है, कि यानी कि अगर आप कोई गैजेट बाय कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई मेरे को उसमें समझ नहीं आ रहा है, डिसीजन मेकिंग आप नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ से एक्सपर्ट्स लाइव आज की डेट में अवेलेबल हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे एक हमें क्या होता है ना कि 1-to-1 स्टोर पर हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर जो स्टोर पर एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं वो आपको उसके सारे फीचर्स वगैरह के बारे में और अच्छे से समझाते हैं। एक तो होता है वेबसाइट पर अवेलेबल है, बट मे बी हो सकता है कोई पर्सन ऐसा है कि जिसको वो फीचर समझ में ना आ रहे हो, उसको एक वर्बली सामने से बोल के समझाने वाला बंदा चाहिए, तो वीडियो चैट पर एक बंदा अवेलेबल होगा, आप हम लोग बताइए कि आपको क्या सामान लेना है, वो आपको बेस्ट ऑप्शंस उसके अंदर रिकमेंड कर दें, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर बजट, ठीक है। तो ट्राई करके देखना, अगर कभी आपके उसमें आए तो वीडियो चैट इज़ फ्री, उसका कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा एक सजेशन मिल जाता है।
ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटर का पार्ट आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, साइन इन, साइन अप एंड ऑनबोर्डिंग रूट के ऑप्शंस, ठीक है, पेमेंट इंटीग्रेशन, नोटिफिकेशंस एंड यूज़र रेटिंग एंड फीडबैक। हेलो, हाँ जी,